हेलो स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। और इसी प्रिपरेशन को थोड़ा और शार्पन करने के लिए मैंने आपके लिए एक पेपर डिज़ाइन किया है, ठीक है ना, जो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, असल में मोस्ट प्रोबेबल कुछ नहीं, मैंने बस एक पेपर आपके लिए डिज़ाइन किया है और जो आपको बता सके कि आपको किस पोर्शन में अभी भी आप कुछ अपने आप को थोड़ा सा ज़रा शार्प कर सकते हैं, किस पोर्शन में आपको ज़रूरत है करेक्शन की, कहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए, ये दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक पेपर आपके लिए बनाया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में जब मैं पेपर बनाने लगा तो हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट था, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मुझे ऐसा भी लगा कि एक पेपर से बात नहीं बन सकती है। आप इस पेपर को देखिएगा और इस पेपर को अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले दूसरे भी मैं पेपर डिज़ाइन करूँ इसी तरह से, मैं आपको पेपर दे सकूँ अगर हो सके, क्योंकि दो तीन पेपर अगर कम से कम आप कर लें तो फिर काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक पेपर में वो सारी बातें समेटी जा सकती हैं जो कि होती हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ एक एक क्वेश्चन किया है और मुझे पता है काफ़ी कि मतलब पता है ना, मैंने आपके साथ क्वेश्चन किया तो मुझे दिखा है कि एक ही उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन लिमिटेशन है क्योंकि मैंने मार्किंग स्कीम जो आपकी इसी बीएससी के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग थी उसी मार्किंग स्कीम के तहत मैंने आपको क्वेश्चन दिए, तो मुझे खुद लिमिटेशन में आकर कुछ ही क्वेश्चन देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्टूडेंट इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर पेपर को देखें और उसी तरह से करें जिस तरह का आप एनवायरनमेंट उसी तरह का रखें जिस तरह का आपको एग्जामिनेशन में रखना है, यानी कि बीच बीच में पेपर में उठते न रहें। अगर 3 आवर्स का पेपर है तो उसे 3 आवर्स में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है ना, एकदम माहौल होना चाहिए एग्जामिनेशन का, ठीक है ना। तो ये बात स्टूडेंट्स आपको करनी है, ठीक है ना, और अपने आप को सेल्फ चेक आपने करना है, कोई आपको चेक नहीं करेगा, जितनी भी ऑनेस्टी होगी वो आपको खुद ही बरतनी पड़ेगी, ठीक है ना। और वो पेपर बड़ा देख लेना जो मैंने बना रखा है, उससे मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम उससे ही एग्जामिनेशन में पेपर में सब कुछ आएगा, लेकिन हाँ इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन पर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उस पेपर को आप कीजिए और अगर आपको लगता है कि हाँ अगर वो पेपर की तरह ही आपको कुछ ज़रूरत है तो आप बताइएगा, ठीक है ना। कोशिश करूँगा, थोड़ा टफ है उसे बनाना असल में उसको बनाना, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि मेजॉरिटी वहाँ पर चाहती है कि उस तरह के पेपर से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी आगे कुछ 2-3 सैम्पल पेपर कम से कम हम कर सकें ताकि कुछ अच्छा हो सकेगा, ठीक है ना। तो उसको बड़े आराम से करना और स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल। सो स्टूडेंट्स गुड बाय।